ऐसे लोग जो अब तक अपने अंदर पल रही डायबिटीज़ की शिकायत से अनजान थे, उन्हें शहर के थर डायबिटीज़ एसोसिएशन के अनोखे मेडिकल कैंप में पहली बार इस बीमारी का पता चला। दरअसल रविवार को ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दुबई समेत देश विदेश के 160 से अधिक स्थानों पर आयोजित हुए इस कैंप में 8,000 से अधिक लोगों की शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल की जांच की गई। एसोसिएशन के इस मेगा मेडिकल कैंप को गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। कैंप के संयोजक डॉक्टर सुनील ने बताया है कि कोरोना संक्रमण में ऐसे मरीजों के लिए स्थिति और भी जानलेवा हो सकती है, जिन्हें पहले से डायबिटीज़, बीपी जैसी बीमारियां हो या उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो। ऑक्सीजन लेवल कम गंभीर स्थिति तक गिर जाता है और इसका पता व्यक्ति को नहीं लग पाता। ऐसे में पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल समय समय पर मालूम करते रहना चाहिए और इसी उद्देश्य से हमने थर्ड डायबिटीज एसोसिएशन की ओर से यह कैंप आयोजित किया है। घर घर जाकर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक किए गए, बिकॉज वर्तमान में फिजिकली आमने सामने बैठ के शुगर चेक करना या क्लिनिक्स में जाके चेक करना संभव नहीं था। इसलिए कोविड की गाइडलाइंस की पालना करते हुए घर घर जाकर रोशनी मित्रों ने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल्स को चेक किया और ये जो गतिविधि है जयपुर में करीब 100 लोकेशंस में करी गई।